सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो ओल्ड सिटी के अंदर में हुसैनी आलम पे एक शॉप है स्मार्टी करके। मैं क्या बोल रहा साहब, हेलो, आवाज आ रही? हाँ, ओल्ड सिटी में स्मार्टी करके एक शॉप है, वहां पर मेरा 2-2.5 साल पहले एक 80,000 रुपए का उसने चेक दिया था, बाउंस हो गया, फ्रॉड। वो MIM वाले पैसे रोक लेके रख दे रहे पूरे खुले आम। वहां पर समझा अरबों रुपए का फ्रॉड डेली का नहीं। होता है वहां पर। मैं कुछ कार्रवाई करो ना साहब, ओल्ड सिटी पे कोर्ट को जाइए, कोर्ट कोर्ट को मुकाई। जाइए, पुलिस क्या कर रही कंप्लेन। साहब कोर्ट को? आपको तो मालूम है, 50 साल लड़ते रहना पड़ता MIM की पुलिस गुंडागर्दी। जो है कब तक पैसे के उठाने सब का गुलाम जिम्मे बन के जाती है रहेंगे वो। अपन लोग? सर पूरा वहां पर, मैं अभी कशिश वाले का सेटलमेंट असद ने करवाया था 600 करोड़ में। वहां पे पूरे व्यापारी है। वहां पर में क्या होता, दूसरे दिल्ली मुंबई कलकत्ता वाले व्यापारियों को फ्रॉड करते चोट दे देते, पूरे तेलंगाना का नाम खराब हो रहा है, और आप लोग नहीं करते MIM के डर से। मेरा खुद का 2-2.5 लाख रुपए रुका। मैंने खुद MIM के कॉरपोरेटर इन लोगों को, उन लोगों को बोला अभी, मतलब देखो मेरा पेमेंट का है कराओ। ये लोग जानबूझ के उसमें वो कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे 2-2.5 लाख रुपए से फारिस कादरी को फर्क पड़ता, हफ्ते भर का खर्चा हो जाता साहब मेरा वो। लेकिन बाकी दूसरे लोग जो गरीब है उनका साहब। हेलो, फोन चालू है, सुन रहे ना आप? सर ऐसे कई वहां पर फ्रॉड हो रहे हैं बहुत ज्यादा। MIM की गुंडागर्दी चल रही सिंपल सोबर। वहां पर में पैसे ले लेना MIM वाले देख लेते, बाप का राज है जैसे इनका। ये 7 MLA वालों से ऐसी फटती आपकी साहब, होम मिनिस्टर के नाम पे कलंक है आप। सुनो, सुन रहे होंगे आप सो सब। एक 7 MLA छटाक भर की पार्टी, हाय दिन लड़ाते रहते लोगों को, बोलता है 15 मिनट हटाओ और ये और वो, जमाने की बातें होती थी। इतने फसादात हो रहे इनकी वजह से, पूरे चोरा ये भरे हुए ओल्ड सिटी पूरे खा के रखे। वो बीच में नवाब की प्रॉपर्टी का 400-600 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा मौजम खान ने करके रखा है। ओल्ड सिटी में व्यापारी लोग पैसे रोक दे रहे, MIM की गुंडागर्दी चल रही है, और होम मिनिस्टर साहब को फोन लगा रहे तो तेलंगाना कोर्ट में जाओ बोल रहे। अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो दर्ज करो। सुनो,